हे गाइस नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द अल्टीमेट नॉलेज में। एक बार फिर से आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइस आज का जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि बैचलर ऑफ एजुकेशन जिन बच्चों ने 2020 में एमडीयू में, चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी में, कुरुक्षेत्रा या हरियाणा की किसी भी यूनिवर्सिटी में बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड में एडमिशन लिया है, तो उनके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव और बहुत ही ज़्यादा एजुकेशनल होने वाली है। क्योंकि हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे लास्ट ईयर के जो फर्स्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है, सेकेंड जो एग्जाम है कंटेम्प्रेरी एजुकेशन ऑफ इंडिया, तो उसके जो क्वेश्चन पेपर हैं लास्ट ईयर 2020 के, तो वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि फर्स्ट ईयर में एग्जाम का क्या पैटर्न था, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए थे, सारा का सारा जो मैटर है वो इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। और मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि जितना जल्दी हो सके या जितना पॉसिबल हो सके इस वीडियो को पूरा देखना, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आए थे लास्ट ईयर, वो सारे हम आपको मेमोराइज करा दें और वो आपको हम लोग क्या है डिक्टेट कर दें कि किस प्रकार से पैटर्न और किस प्रकार से जो क्वेश्चन पेपर का एक सिस्टम जो है वो काम करता है। तो इसके लिए हम लोगों को चलना पड़ेगा अपने स्क्रीन पर और वहीं चलकर गाइस हम लोग समझते हैं कि लास्ट ईयर कंटेम्प्रेरी एजुकेशन ऑफ इंडिया का जो एग्जाम है वो कैसा आया था, उसका क्या पैटर्न था। तो चलिए गाइस हम लोग चलते हैं अपने स्क्रीन पर। गाइस देखिए आ गए हम लोग अपने स्क्रीन पर और यहां पर हम लोग देखते हैं बीएड फर्स्ट ईयर का 2020 के अंदर जिन बच्चों का एग्जाम हुआ था रीअपीयरमेंट का, उसका सेकेंड पेपर है आपका कंटेम्प्रेरी एजुकेशन इन इंडिया। तो यहां पर देखिए इसमें वही सेम पैटर्न है जो उसकी हम लोग डिस्कस करते हैं। अटेम्प्ट एनी थ्री क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, कोई तीन प्रश्न कीजिए, सभी प्रश्नों के अंक समान है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं गाइज हम लोग क्या है, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, किसी इन पे क्या है एक शॉर्ट नोट आप लिखिए। सबसे पहले क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ठीक है गाइज, हिंदी में क्या बोल रहा है एग्जामिनर आपसे कि मौलिक अधिकारों तथा निर्देश सिद्धांतों के बीच जो अंतर है उसको क्या है आप स्पष्ट कीजिए, यानी कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है और डायरेक्टिव जो प्रिंसिपल है उसकी क्या है विवेचना कीजिए। सेकेंड जो है मैकालेज मिनट जो है 1835 मैकाले का जो कार्य वर्थ है 1835 उसकी क्या है विवेचना कीजिए। थर्ड जो क्वेश्चन है गाइज वो देख लीजिए, फीचर्स ऑफ कॉमन स्कूल सिस्टम यानी कि आम विद्यालय की जो प्रणाली है उसके बारे में क्या है आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए, एग्जामिनर ये आपको कहना चाह रहा है। अगला है गाइज कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर यानी कि जो संस्कृति है, आपको पता है कि हर जगह की, हर स्टेट की, हर कंट्री की जो कल्चर है, जो संस्कृति है वो अलग होती है, तो यही कहना चाह रहा है कि संस्कृति की अवधारणा के बारे में आप स्पष्ट कीजिए। ठीक है गाइज, अगला जो है वो हम लोग देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन, डिस्कस द कंकरेंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, गिव आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ अगेंस्ट कंकरेंट लिस्ट ऑफ एजुकेशन, यानी कि भारतीय संविधान में शिक्षा की समवर्ती स्थिति की विवेचना कीजिए, शिक्षा की समवर्ती सूची के पक्ष तथा विशेष तर्क कीजिए, यानी कि जो कंकरेंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन इंडिया के अंदर उसके लिए क्या है एक लार्ज मतलब एक्सप्लेनेशन क्या है आपसे एग्जामिनर मांग रहा है, उसके बारे में क्या आपको लिखना होगा सेकंड जो एग्जाम है आपका कंटेम्प्रेरी एजुकेशन इन इंडिया। अगला है गाइस तीसरा क्वेश्चन, मैं आपको बता देता हूं क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनलाइज्ड सेक्शन। जब हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे, ये क्वेश्चन मैंने उसमें डाला था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को जाकर प्लेलिस्ट में देख लेना भाई, जहां पर कंटेम्प्रेरी एजुकेशन ऑफ इंडिया का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहां पर ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। यानी गाइस जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताते हैं वो एग्जाम में 101% आते ही आते हैं, क्योंकि लास्ट 16 से 17 साल का हम लोगों को बच्चों को पढ़ाने का ही क्या है एक्सपीरियंस है। तो यहां पर क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनल सेक्शन, डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन इन एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड एंड डिसएडवांस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, सीमांकृत खंड से आप क्या अभिप्राय है, समाज के सीमांकृत तथा वंचित खंड से सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका की विवेचना कीजिए। ठीक है गाइस, अगला है आपका फोर्थ क्वेश्चन, गिव ए क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन, यानी कि 1964 से 1966 के बीच जो एजुकेशन इंडियन कमीशन था, यानी कि हिंदी में जिसको क्या बोलते हैं भारतीय शिक्षा आयोग की संस्तुतियों का एक अवलोचन मूल्यांकन कीजिए। ठीक है गाइस, ये आपको कहना चाह रहा है। अगला है पांचवा, डिस्क्राइब द नीड एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क,
मैंने ये लास्ट क्वेश्चन भी आपको बताया था जब आपको इसके कराए थे कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का ढांचा 2005 की आवश्यकता तथा उद्देश्य क्या है वर्णन कीजिए। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, हर साल आपको एग्जाम में मिलता है, पिछले साल भी आया था और इस साल भी डेफिनेटली आने ही वाला है। अगला है छठा क्वेश्चन गाइस, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सलाइजेशन एलिमेंट्री एजुकेशन, डिस्कस द रोल ऑफ एसएसए इन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकरण से आपका क्या तात्पर्य है, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण में एसएसए की भूमिका का वर्णन कीजिए या इसकी विवेचना कीजिए। अगला है मेरे बच्चों, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आता ही आता, रट लेना, याद कर लेना। व्हाट आर इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, आधुनिकरण के से प्रत्यक्ष की व्याख्या कीजिए, इसके लाभ तथा हानि के बारे में क्या हम लोगों को बताइए, एग्जामिनर ये कहना चाह रहा है। अगला है गाइस, व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। लोकतंत्र क्या है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि भाई लोकतंत्र क्या है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और जोड़ दिया गया है कि लोकतंत्र तथा शिक्षा के बीच जो संबंध है वो क्या है, उसकी विवेचना कीजिए। अगला लास्ट बट नॉट लिस्ट, अगला क्वेश्चन नौवां है, आपको क्या कहना चाह रहा है वो देख लीजिए आप एक बार। व्हाट आर द न्यू इकोनॉमिक्स रिफॉर्म इन इंडिया, ठीक है, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स रिफॉर्म ऑन एजुकेशन इंडिया, भारत के नए आर्थिक सुधार क्या हैं, यानी कि इंडिया ने क्या क्या नए आर्थिक सुधार किए हैं, भारत में शिक्षा पर आर्थिक सुधारों का प्रभाव का वर्णन कीजिए, यानी कि क्या क्या इसका जो इम्पैक्ट है उसका वर्णन कीजिए। ये सब आपका क्वेश्चन था लास्ट ईयर का। तो गाइज होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो हम लोग चलते हैं बैक टू द स्क्रीन। आपने देखा कि हमने सारा का सारा जो एक मैटर है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था और एग्जाम का पैटर्न भी आप लोगों को बताया था, क्योंकि जो नए स्टूडेंट है उनको पता चलेगा कि भाई एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, किस हिसाब के आपको एग्जाम देना होता है, वो सारी की सारी चीज इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस की थी। कि होप, मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों से कि वो वीडियो आपको बहुत अच्छा और पसंद आया होगा कंटेंट, और आगे भी इस प्रकार का वीडियो या इस प्रकार की इंफॉर्मेशन अगर आप चाहते हो तो हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाले वक्त के अंदर इस प्रकार की एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव जो वीडियो है वो आप लोगों को मिल सके। तो गाइस आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं किसी एक नई वीडियो में, तो टिल देन बाय, टेक केयर गाइस, मुस्कुराते रहना, थैंक यू सो मच।